बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीम राणा। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव। संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद जन जन का प्रेमी, आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के ग्राम जखराना में ठाकुर जी के मंदिर में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। डॉक्टर शानू यादव ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रमों से आमजन में आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारा कायम रहता है, साथ ही जनमानस में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जीवन शैली की वजह से आसपास कुरीतियों को बढ़ावा देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों और युवाओं में संस्कारों को बढ़ावा दें ताकि आमजन का अध्यात्म से जुड़ाव हो सके। इस विशाल भंडारे के दौरान भूतपूर्व सरपंच विनोद स्वामी, रिटायर्ड मेजर दयानंद, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सूरजभान, पूर्व सरपंच पृथ्वी सिंह जटगावड़ा, प्रकाश सिंह बादल, रमेश जटगावड़ा, शशिकांत शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। श्रीमती नारायण देवी पीजी महिला महाविद्यालय कुंड रोड बहरोड, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी शिक्षा के साथ साथ बेटियों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। मत्स्य विश्वविद्यालय से एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त, कालीबाई भील योजना में स्कूटी प्राप्त। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायण देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहाँ हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के भीमसिंहपुरा, माजरा, रोडवाल सहित करीब आधा दर्जन गांवों में कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव ने चौपाल जनसंवाद व हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने डॉक्टर आरसी यादव का फूलमाला एवं साफा पहनाकर गाजे बाजे से भव्य स्वागत किया। वहीं डॉक्टर आरसी यादव ने बताया कि जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, जनता के सहयोग में इस बार भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वहीं इस बार पूरे दमखम के साथ जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाएगी। वहीं कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी डॉक्टर आरसी यादव ने विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी दी। मैं पूछना चाहता हूं भैया, आपकी कथनी और कथनी में अंतर क्यों? पिछली बार मोहित किशनगढ़ से था, बार का था, बलजीत बाटकानी मोटावर का था, मैं स्थानीय उम्मीदवार था, भाई जसराम था मुकाबले में नहीं था, वो भी स्थानीय था। इन बीजेपी वाले जो अब MLA बनना चाहते हैं, ने तो बीजेपी वाले को वोट दिलाए, अपनी पार्टी वाले को वोट नहीं दिलाए इन्होंने, ने मेरे को वोट दिलाए, कोई ऐसा लालचन और खोट भी नहीं, सब काम भी मेरे से ही करवाते हैं। पूछना है तो क्या स्वार्थ और क्या लालच था जो आप इसके पास गए? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पाई गई अनियमितताएं, बड़ौद नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी विद्यालय के खेल प्रांगण में आयोजित हो रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अनियमितताएं पाई गई। बड़ौद नगरपालिका में बच्चों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उनको खेलों से वंचित रखा गया। इससे संबंधित जानकारी को जब खेल कमेटी PTI प्रधानाचार्य बड़ौद ACBO बहरोड एवं CBO बहरोड तक पहुँचाई गई, तो इन सभी का जवाब कुछ ऐसा ही था कि हम कुछ नहीं कर सकते, इन खेलों की जिम्मेवारी किसके हाथ में है। अंत में बच्चे मायूस होकर भूखे प्यासे कई घंटों तक खेल ग्राउंड में भटकते रहे। वहीं कमेटी से रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कमेटी की ओर से कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं आया। मतलब मैं वार्ड पार्षद नंबर 18 से मनपुर से नहीं। हाँ जी। CM साहब ने ये
ओलंपिक ग्रामीण शहरी जो चला रखे हैं उसके लिए अलग से नगर पालिका को बजट आवंटित कर रखा है। बजट आवंटित करने के बावजूद चेयरमैन की अनदेखी के कारण वो कर्मचारियों की अनदेखी के कारण यहाँ पे सभी खिलाड़ियों को और जो भी यहाँ पे कोच वगैरह हैं उनको सबको परेशानी हो रही है। एनसीसी और जो बच्चे वो बेचारे सुबह 7 बजे आ चुके हैं और अब तक भूखे हैं। किसी ने कोई बिस्कुट वगैरह या कोई केले वगैरह कोई किसी का नाश्ता कोई व्यवस्था नहीं, ये सारा बजट डकारने के चक्कर में। मैं सुबह 8 बजे का आया हुआ हूँ लेकिन हम सुबह से बिल्कुल भूखे हैं और जब हम आए ना तो ऐसा कहा गया कि तुम्हारा गेम होगा, लेकिन जब हमारी मैच की बारी आई गई तुम्हारा एक जो प्लेयर था ना वो कहीं थोड़ा बाहर चला गया था, तो हमने कहा कि सर 5-10 मिनट रुक जाओ वो आ जाता है। फिर उन्होंने जो पीटी सर वगैरह थे इन्होंने कहा कि हम नहीं रुकेंगे आपके लिए, ये रूल के खिलाफ है। हमने कहा सर 5-10 मिनट तो रुक जाओ, हमने बहुत बहुत प्लीज माफ़ी मांगी। नाम आपका? मेरा नाम ईशु है, मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ और मैं आज इधर बंडोद में बह रोड से आया हूँ। सुबह 7:30 बजे से मैं आया हूँ। मैंने सुबह सिर्फ दूध के अलावा और कुछ नहीं खाया इधर, और इधर हम सुबह 8 बजे आए तो इधर हमारा हमें ऐसे कहा गया कि पहले प्रतियोगिता शुरू करी गई रेस की खो खो वगैरह की, फिर ऐसे कहा गया कि सबको खिलाएंगे, फिर उसके बाद फुटबॉल का मैच होने लगा तो उसमें फुटबॉल का मैच पूरा ही रद्द कर दिया गया, सभी टीमों को हटा दिया गया। फिर उसके जब क्रिकेट की बारी आई तो हमारे आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हमने कराया था पर वो हुआ नहीं, पता नहीं किस लिए, और टीम भी अलग अलग बढ़ चुकी थी, मतलब अलग अलग पन्ने में सबका नाम था। फिर उसके बाद हमें खिलाया गया और हमारा एक खिलाड़ी कम था तो हमें ऐसे कहा गया कि पहले अपने पूरे खिलाड़ी करो, लेकिन हमने उनको कहा सर 5-10 मिनट दे दो हमें खेल, हम अभी ले आते हैं उसको, इधर ही पास में पानी पीने गया हुआ है, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले रूलों के खिलाफ है। बाबा श्री नारायण दास अभिनव पीजी महिला महाविद्यालय बहरोड राड क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय, कठोर अनुशासन के बीच आपकी बेटियां रहेंगी सुरक्षित। पिछले 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरे उतरते आए हैं बीए बीएससी एमए भूगोल राजनीति विज्ञान हिंदी संस्कृत में प्रवेश प्रारंभ बीएससी अंग्रेजी माध्यम संचालित। शिक्षा के साथ साथ हम सेवा कार्यों में रहते हैं सबसे आगे, कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयां संचालित, तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल उसकी ओर कदम बढ़ाएं। एड्रेस ओल्ड कोर्ट रोड नियर स्टेट बैंक बहरोड। किसानों के लिए लेकर आए एक अनूठा उपहार पटवारी फवारा एजेंसी सोडावास, जहां हर प्रकार के पाइप नोजल बैंड एवं खेती में सिंचाई के लिए पानी की बचत और अधिक पैदावार। मिनी फवारे सेट 70% सब्सिडी पर उपलब्ध, वाजिब दाम अन्नदाता का लाभ। अब आपकी फसल भी लहराएगी और किसान बनेगा समृद्ध। आज ही संपर्क करें प्रोप्राइटर प्रेम प्रकाश पटवारी नासरपुर वाले। किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर उत्तर उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुगड़िया में किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, हमारे देश में किसानों की उन्नति के लिए लगातार केंद्र सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं, देश का किसान समृद्ध होगा तो देश विकसित होगा। वहीं बताया कि हमारे देश की 70% आबादी आज भी कृषि आजीविका पर निर्भर है, हमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा ले रहे हैं और नए आयाम स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड केपीएस सेंट क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर SBI बैंक ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।